नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिरोजाबाद से देर रात आगे चल रहे ट्रेलर से टकराई इको। जी हां, एक परिवार के 8 लोग घायल, बता दें 2 गंभीर। आगरा किया रेफर, सीओ सदर तत्काल मौके पर पहुंचे, घायल बच्चों को गोद में खुद लेकर किया भर्ती। हर कोई इस अधिकारी का ये व्यवहार देखकर हुआ कायल, 1 घंटे से अधिक देर तक रुककर अपनी मौजूदगी में कराया इलाज। सीओ सदर हीरा लाल कन्नौजिया की दरिया दिली उस वक्त नजर आई जब थाना मटसैना क्षेत्र के गांव गड़ी छिपनी के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में इको सवार एक परिवार के 8 लोग वाहन के आगे चल रही ट्रेलर से टकरा गए। उसी दौरान जानकारी होते ही थाना प्रभारी मटसैना पुलिस के साथ पहुंच गए। तत्काल हाईवे एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। खुद भी घायलों के साथ सरकारी ट्रॉमा सेंटर देर रात आए। इतना ही नहीं, आने पर जब एम्बुलेंस से घायलों को उतारा जा रहा था उस वक्त 2 बच्चे घायल थे, तो सीओ सदर इतने भावुक हो गए, उन्होंने बच्चों को खुद गोद में लेकर अंदर तक पहुंचाया। वहीं घायल बच्चों का पिता जब रोने लगा तो समझाया, अगर वे खुद रोएंगे तो फिर परिवार का क्या हाल होगा। तब व्यक्ति को कुछ मजबूती मिली। उनके इस कदर भावुक हो जाने को लेकर हर कोई उनका कायल हो गया। घायलों में 2 घायल, जिनमें एक बच्चा गंभीर भी शामिल है, उसको आगरा रेफर किया गया है, तो खुद की मौजूदगी में भिजवाया। काफ़ी देर उपचार दिलाते रहे, तब तक स्थिति कुछ सामान्य नहीं हुई। उन्होंने मीडिया को बताया कि अहमदाबाद से इको सवार एक परिवार के लोग पंचमुख नगला कन्नौज जा रहे थे। इसी दौरान थाना मटसैना क्षेत्र गड़ी छिपनी गांव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उक्त इको आगे चल रही ट्रेलर में घुस गई, जिससे उसमें सवार 8 लोग घायल हो गए। एक बच्चा सहित एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, जिसे आगरा रेफर किया गया है। सभी घायलों को इलाज दिलवाया जा रहा है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। ये क्या घटनाक्रम हुआ है सर, और कहां पर हुआ है, कितने घायल हैं? मीडिया में नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक को गाड़ी थी GJ27DM6805 अहमदाबाद से पंचमुख नगला खलिनी सॉरी कन्नौज जा रहे थे अपने घर, जिसमें 10 सवारी, इनके पूरा परिवार 10 से बढ़ा हुआ था। और ये मसीना थाने में पड़ता है, आगरा एक्सप्रेस और लखनऊ के, लखनऊ आगरा से एक्सप्रेस वे गाँव गली छिपनी के पास एक ट्रेलर खड़ा हुआ था। ये पीछे से स्वयं गाड़ी में ले जाकर लगा दिए, टक्कर मार दिए पीछे से, स्वयं लड़ दिए, जिसमें 8 लोग आदमी घायल हैं, जिसमें 2 को रेफर कर दिया गया है, बाकी शेष ट्रामा सेंटर अस्पताल पहुँचा उपचार उचित कर दिए। किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है।